क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु। जैसा कि हम सबों को ज्ञात है कि नौ रोजी जपमाला प्रार्थना गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसकी मध्यस्थता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। हमारा पक्का विश्वास है कि जो व्यक्ति माता मरियम से पूर्ण विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगे, माता मरियम उसे अवश्य प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं। पर ऐसा क्यों? जरा हमें इस पर मनन चिंतन करने की अति आवश्यकता है। शायद इसलिए कि माता मरियम हम सबों से हद से भी ज्यादा मेल प्रेम करते होंगे, हमारे दुखड़ाओं को समझती होंगी, हमारे कमजोरियों को समझती होंगी, जिसके बदौलत माता मरियम हमारी सेवा शुश्रूषा में लग जाती हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, यदि हम माता मरियम के जिंदगी के बारे में झांक कर देखें तो माता मरियम कोई एक साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वभाव से विनम्र और एक धार्मिक स्त्री थी। उसके महान कार्य, उसके अटल विश्वास, उसके निर्मलता को देख पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते और पिता परमेश्वर माता मरियम के पास स्वर्ग से इस धरती पर एक फरिश्ता को भेज डाला जिसका नाम गैब्रियल दूत था। गैब्रियल दूत माता मरियम से कहता है, डरिए नहीं, पवित्र आत्मा से पवित्र होकर आप एक पुत्र प्रसव करेंगी जिसका नाम ईसा रखेंगी। वह स्वर्ग एवं धरती पर सर्वश्रेष्ठ और महान होगा। यह सुनते ही माता मरियम के चेहरे पर हवैया उड़ जाती हैं और यथाशीघ्र कहती हैं, ऐसा होना बिना पुरुष के संसर्ग से कैसे संभव हो सकता है? किंतु माता मरियम एक धार्मिक स्त्री होने के नाते अपना कर्तव्य एवं जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हो जाती है। ख्रिस्त में मेरे मित्रों, तब से माता मरियम के जिंदगी में नाना प्रकार की विषम परिस्थितियां, दुख तकलीफें और अन्य समस्याओं का आना आरंभ हो जाता है और उन सभी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। माता मरियम स्वयं फरिश्ता द्वारा की गई दावत को पूर्ण करने वास्ते पूर्ण कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ख्रिस्त में मेरे मित्रों, क्या हम निभा पाएंगे? हाँ, जब तक माता मरियम के जिंदगी के सदृश हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम कैसे जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निभा पाएंगे? हमें तो माता मरियम के तस्वीर एवं छवि अपने दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए। जब तक माता मरियम की भूमिका के बारे में हमें कुछ भी अनुभव नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि माता मरियम हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे विश्वास करते हैं? हालांकि हम तो औरों के देखकर विश्वास तो कर लेते हैं कि तो हमारे दिल में माता मरियम को रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं देते हैं, तो क्या मतलब? आज माता मरियम ना केवल यीशु की मां रही बल्कि पूरे संसार, पूरे सृष्टि और हर एक इंसान की मां है। वह हमारे दुखड़ाओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारे जरूरतों को भली भांति समझ लेती है। माता मरियम निसहाय पर आसरा जरूरतमंद लोगों की पूर्ति और दुख दर्दों पर सहारा बनकर हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं, जिसके फलस्वरूप माता मरियम को स्वास्थ्य की मां के रूप में जाने जाते हैं। वह हमें अंधकार से प्रकाश, अन्याय से न्याय, असत्य से सत्य और अधर्म से धर्म एवं अशांति से शांति की ओर अग्रसित करने वाली एकमात्र मां है। माता मरियम कई सारे लोगों को
चमत्कार दिखाए, कई सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए और ऐसे कई सारे लोगों को दर्शन भी दिए। उसकी मध्यस्थता से कई सारे लोगों को भरपूर आशीष एवं कृपाएं मिली। उसके शरण में आने वाले लोगों का जिंदगी आनंदमय और सुखदायक बन गया है। उनके घर परिवार में शांति की किरणें छाई हुई हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम माता मरियम से मिले सभी कृपादानों और बराकतों के लिए धन्यवाद दें और धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सभी को अपने शरण में सुरक्षित रखें। और हम माता मरियम से यही उम्मीद करते हैं कि माता मरियम हमें हमेशा रक्षा पहरा करते रहें। धन्यवाद।